हे दोस्तों, वेलकम बैक, खुश आमदीद। आज हम सीखेंगे एंकर टैग के बारे में, जो कि एक टैग है एचटीएमएल का, और उसके ज़रिए ये भी सीखेंगे कि हम कैसे पेजेस बनाएं और पेजेस को एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे। और आपने देखा भी होगा कि जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी गैलरी के हवाले से, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें भी लिंक का बहुत कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, क्योंकि उसमें हमने 3 से 4 डायरेक्टरीज जो हैं वो यूज़ की हैं, करंट डायरेक्टरी और इनसाइड फोल्डर डायरेक्टरी, आउटसाइड फोल्डर डायरेक्टरी और एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, इसमें भी हम यही सीखेंगे और लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप हैरफ देंगे और हैरफ देने के बाद इस तरह का जो है डबल कोमा देंगे। अब कोड जो है वो डबल कोमा के बीच में लिखा जाता है, जैसे कि आप जिसको जिस पेज को वहाँ पर देना चाह रहे हैं, जैसे कि link1 कर देते हैं, ठीक है, .html। और उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ ब्लैंक जो है वो टारगेट वगैरह दे करके, क्या वो जो है हमें अलग टैग में चाहिए, अलग एक टैब होता है वो ब्राउज़र का, उसमें चाहिए, तो आप यहाँ पर सिंपल लिख देंगे ब्लैंक। ठीक है, और अगर आपको कोई टाइटल चाहिए तो यहाँ आप देंगे टाइटल, हाय आई एम, ठीक है, मैं यहाँ से इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो और आप कम्प्लीटली देख सकें link1। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जैसे ही पेज पर जाते हैं रन विद क्रोम कर देते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो कि पेज खुल रहा है, हर चीज़ है, मगर कुछ शो नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा कि ये जो जगह है ना, यहाँ पर यानी एंकर टैग के बीच में हम उस फाइल का नाम देंगे कि आई एम link1। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर हम उसको सिर्फ रिफ्रेश करेंगे तो आप देख लें कि ये जो है वो एक लिंक बना हुआ है, और ओके करेंगे तो कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने link1 के नाम से, ठीक है, या link1 जो है वो अभी तक HTML की फाइल बनाई ही नहीं है। तो आज हम बनाते हैं, एक न्यू टैब पे ओके करते हैं और लैंग्वेज में आते हैं। लैंग्वेज में आने के बाद या HTML को सिलेक्ट कर देते हैं और इसको यहाँ से सेव एज कर देते हैं। सेव एज करने का मतलब ये था कि इसका नाम चेंज कर देते हैं link1। ठीक है, और बहुत सारा कोड है तो जिसकी वजह से टाइम बचेगा हमारा, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये जो है इसको हटा देते हैं और एक और यहाँ से फाइल जो है, हम मेरे पास एक फ़ाइल है ऑलरेडी बना हुआ, तो इस फाइल को ले लेते हैं और इसी फाइल को जो है वो वहाँ पर शो करा देते हैं, ये link1 की फाइल कर देते हैं। और अब जा कर के जो है ना इसको फ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर पूरी डायरेक्टरीज जो हैं वो धरम भरम है। दोबारा देखते हैं यहाँ इनकी लोकेशन क्या है, ताकि हम उनको दोबारा सही कर सकें। ओके, 1, 2, 3, 4। ओके, तो क्या मसला है, सिर्फ ये जो है वो करंट डायरेक्टरी है सारी की सारी, ये हटाना पड़ेगा, ये हटा देते हैं ताकि वो करंट डायरेक्टरी है, तो वो करंट डायरेक्टरी में ही रहे। 1, 2, 3। ओके, लेट्स बिगिन। 0, 1, 0, 2, 0, 3। वाई दिस हैपन, इमेजेस। सही बात है, क्योंकि ये जो फाइल है, ये फाइल पड़ा हुआ है लिंक के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, double dot slash। ठीक है, आपको याद है कि ये फाइल है इसमें लिंक फाइल्स में। ठीक है, तो इससे बाहर आएं और अब जो है वो इमेजेस में जाएं, इमेजेस।
images backslash images backslash images backslash. दोस्तों यहाँ हो ये रहा है कि हम एक डायरेक्टरी बाहर जा रहे हैं, ठीक है, और बाहर जाने के बाद images dot one में जो है उसको कह रहे हैं कि वहाँ आप जा करके ऑर्डर करें. तो देखें ये एक पेज जो है वो ओपन हो गया और वो अपना पेज जो है वो यहाँ से जो है लिंक वन जो हमने बनाया था, तो लिंक वन जो है वहाँ से है. हम इसको खूबसूरत भी बना सकते हैं और बनाएंगे भी, लेकिन फ़िलहाल आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें. जैसे कि यहाँ पर पी टैग दे देते हैं और फिर इसको नीचे से जो है वो पी टैग क्लोज कर देते हैं और उसके बाद जो है हम इसको थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं ताकि H2 कर देते हैं, ठीक है, और बैक स्लैश H2 कर देते हैं. सॉरी रॉन्ग हो गया, अब सही है. और जाकर के रिफ्रेश करके चेक करते हैं, आप देख रहे हैं लिंक थोड़ा बड़ा हो गया है. और इस यहाँ जो है हम बहुत सारी चीज़ दे सकते हैं कि हाई हाई एम लिंक वन देयर इज द इमेजेस इन द नेक्स्ट पेज दीज आर इमेजेस इन द नेक्स्ट पेज इज गोइंग टू मेक यू सरप्राइज लेट्स ओके ब्ला 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 जो भी है. तो यहाँ पर अभी ओके करते हैं. आप देख रहे हैं कि ये जो है वो बहुत सारा लिंक है ये वो, और अगर हम चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं. इसको हटाने का ये फ़ायदा होगा कि वो इतना स्पेस नहीं होगा, और यहाँ पर जो है वो ऐसे कर देते हैं. ओके तो फ्रेंड्स मिलते हैं दूसरे वीडियो में और उसको बनाते हैं, ठीक है. आपने देखा ये बिल्कुल ही यहाँ पर है, और अगर इसी लिंक के बारे में और यहाँ पर जैसे कि ये कॉपी किया और यहाँ भी दे दिया, तो अब ये जो है पूरा का पूरा. और उसके बाद अगर यहाँ पर आप ब्रेक देना चाह रहे हैं तो ये ब्रेक का भी एक टैग है जो आप यहाँ पर बी आर की दे सकते हैं बी आर, और अब जो है वो ब्रेक हो जाएगा और आपको लाइंस जो है वो क्लियरली नज़र आएंगी. तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप समझे होंगे लिंक कैसे पेज से देते हैं. तो ये हमारा पेज था करंट डायरेक्टरी, ठीक है, और नेक्स्ट हम सीखेंगे और भी तरीके जो हैं. और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो and subscribe my channel. Thank you.